जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल उद्यान एक्सप्रेस में और हमारे सामने कर्नाटका एक्सप्रेस अपने ICF अवतार में खड़ी हुई है। हमारी ट्रेन अभी दौन रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्यों हमारी ट्रेन के आगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के आगे आपको EMD लोकोमोटिव देखने को मिलता है दौन से वाडी के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे उद्यान एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं कल्याण का WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ है और ट्रेन अभी HOG टेक्नोलॉजी से चल रही थी। अभी तक ट्रेन के जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, अब इसके आगे WDP लोकोमोटिव को लगाया जा रहा है जो कि एक EMD लोकोमोटिव है और डीजल से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे के स्टाफ द्वारा WDP लोकोमोटिव को WAP-7 के आगे लगा दिया गया है और अभी फिलहाल हम लोग हैं दौन रेलवे स्टेशन में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। और यहाँ पे जो हमारा WAP-7 लोकोमोटिव है, अब धीरे से अपने जो पेंटोग्राफ है उन्हें डाउन कर लेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेन के कार्यभार को संभालने वाला है हमारा EMD लोकोमोटिव। और यहाँ फाइनली EMD लोकोमोटिव को अब WAP-7 से जोड़ दिया जा चुका है और इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के बाद जो हमारे लोको पायलट साहब हैं, अब वो देखिए WAP-7 के पेंटोग्राफ को डाउन करने वाले हैं और यहाँ से अब जो कार्यभार है वो संभालने वाला है EMD लोकोमोटिव पूरी यात्रा के लिए। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हमारी ट्रेन दौन से चलेगी तो आप देखेंगे कि आगे का जो सेक्शन है वो अभी इलेक्ट्रिफाई नहीं हो पाया है, इसलिए कर्नाटका एक्सप्रेस, उद्यान एक्सप्रेस ऐसी ट्रेनों में दौन से वाडी तक आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के आगे डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलेगा। पहले होता यह था कि उद्यान एक्सप्रेस एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी और कर्नाटका एक्सप्रेस में दिल्ली से दौन तक आता था इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और उसके बाद आगे की यात्रा डीजल लोकोमोटिव से तय की जाती थी। पर अब ये होता है कि दौन से वाड़ी तक आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आगे डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलेगा और ट्रेन जो है HOG बंद करके फिर EOG पे शुरू हो जाती है, यानी हमारा जनरेटर कार चालू हो जाता है और ट्रेन की जो सप्लाई है उसे ट्रेन के EOG द्वारा डीजल की खपत से पूरी की जाती है। इस चीज़ को आप लोग और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारी ट्रेन अभी सोलापुर पहुंचने वाली है, आपको कोई भी वाइड सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डीजल लोकोमोटिव के पीछे WAP-7 और उसके पीछे हमारी पूरी ट्रेन देखने को मिल रही होगी। इसी कारण इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इस रूट पर आके असक्षम हो जाता है और डीजल लोकोमोटिव की सहायता लेनी पड़ती है इतने सेक्शन के लिए। फ्यूचर में आपको ये रूट भी कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड देखने को मिलेगा, तब डीजल लोकोमोटिव की इन ट्रैक्स पर हाई स्पीड रन के लिए ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही लोकोमोटिव की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कई रूट में डीजल लोकोमोटिव ही सक्षम है, कारगर हैं और कई रूट्स में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही बेहतर साबित होते हैं। जल्द ही धीरे धीरे हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और ऐसे ही जो विद्युतीकरण है वो हर जगह होता जा रहा है और धीरे धीरे ये डीजल लोकोमोटिव कम होते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो जर्नी है जल्दी आपको चैनल में देखने को तो मिलेगी ही, साथ में मैंने सोचा क्यों ना ये टेक्नोलॉजी आप लोग को समझाई जाए, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि ऐसा क्यों होता है कि उद्यान एक्सप्रेस और कर्नाटका एक्सप्रेस में दो दो लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। ये जो रूट है दोस्तों, सिंगल लाइन भी बहुत खूबसूरत था, साथ में खंडाला घाट भी बहुत खूबसूरत थी और रास्ते में आने वाले जो नज़ारे थे और जो जर्नी एक्सपीरियंस था वो और भी बेहतर था, क्योंकि इस यात्रा को मैंने ट्रेन के फर्स्ट AC में पूरा किया था दोस्तों। जैसे ही हमारी ट्रेन वाड़ी पहुंची, वहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को स्टार्ट कर दिया गया और डीजल लोकोमोटिव अब डिस्कनेक्ट होने के लिए तैयार था। पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को स्टार्ट किया गया, ट्रेन के EOG को बंद किया गया और उसे HOG से कनेक्ट किया गया, उसके बाद डीजल लोकोमोटिव को ट्रेन से डिस्कनेक्ट किया गया और ट्रेन जो है हमारी अब आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार है। WAP-7 ने भी अपने पेंटोग्राफ को अप कर लिया है और धीरे से यहाँ पे अब डीजल लोकोमोटिव डिस्कनेक्ट होने की भी प्रक्रिया में आ चुका है। कुछ समय बाद डीजल लोकोमोटिव को डिस्कनेक्ट कर दिया गया ट्रेन से और अब हम लोग चलने के लिए तैयार थे बैंगलोर के लिए दोस्तों। तो इस यात्रा को मैंने मुंबई से बैंगलोर तक किया था, आपको जल्दी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहूँगा, साथ ही साथ आप मेरे साथ ऐसी और बहुत सारी जर्नीज को भी इंजॉय करेंगे। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरे इंस्टाइडी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं ऐसे कुछ क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।